जी, अंग्रेजी हीरो ठीक है ना? नहीं बेटा, जहर पूरा फैल चुका है। जी, अब बस ठीक कर दीजिए इसे। हम औषधि तैयार करते हैं बेटा, तुम इसे सोने मत देना। इसको सोने मत देना। अंग्रेजी हीरो उठो, अंग्रेजी हीरो, अरे उठ जाओ, अरे उठ जाओ। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, अब उठो, गुडियो सवेरा गुडियो रात। अरे हिलो ना, हिंदी में हिलो, अंग्रेजी में हिलो, पर हिलो। ओ अंग्रेजी हीरो उठो। बेटा सोने मत देना उसे। अरे उठ जाओ। अंग्रेजी हीरो उठो। निकली उस पटाका पुस। नहीं अम्मा जी, वो तो मैं एक्टिंग कर रही थी। एक्टिंग फैटिंग आए अम्मा जी, अपना बड़ी वाली भोली है। अब आप एक बात बताइए, आपने इतनी मेहनत की, लाठी लेकर आई, डराने की कोशिश की, और अगर मैं नहीं डरती तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती और आपका अपमान होता सो अलग। और आप इतना तो जानती हैं कि काम में आपका अपमान नहीं सह सकती। ये तो है। और बाकी आप निश्चिंत रहे, रक्षिणी तो मैं बन कर दिखाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे रास्ता सीधा लेना पड़े या टेढ़ा। पर आप तो जानती है ना, ये सब झोल जुगाड़ करने में मैं कितनी एक्सपर्ट हूँ। जब तक छोटी सासू माँ को मैं रक्षिणी बनकर नहीं दिखा देती ना, तब तक काम्या चुप नहीं रही। इतू को लागत है, सुमित्रा तो सुमित्रा है। मतलब ई सब ना ई का खेला है, ई का समझी। अगर तू जी चाहती है तो तोरा बेटा नील इस घर का उत्तराधिकारी बनेगा, भारद्वाज परिवार का। और अगर वो घुंघटिया ज्योति जीत जाती है या वो मटकती हुई प्रिया वो जीत गई, तो वो दोनों का मरण कुर्सी को झपट्टा मार लेगा। अब बचा कौन? आकाश परिया, आकाश काका होगा। आकाश की तो ना माँ है ना लुगाई है, आकाश की जीत का फैसला कौन करेगा? हाँ, अम्मा जी मेरी बाई आंख फड़क रही है, देखिए। पक्का कुछ गड़बड़ होने वाला है। नाश, अम्मा जी अगर छोटी सासू माँ आकाश के लिए कोई लड़की ढूंढ ली तो, और उसे घर में ले आई तो। अंग्रेजी हीरो उठो। फिर उसे ही कल्याणी, रक्षिणी और अन्नपूर्णा साबित कर दिया तो जब। पर ये तो का तबला बजाना बंद करेगी या तू एक छोटू मुंह के ऊपर एक बजा दूंगी।
हम इस घर के बड़े हैं, सिक्का तो हमारा ही चलेगा। अरे ओ प्रपंचकारी सुमित्रा, तू सोचती है अपने पोते के नाम का सिक्का चलाएगी? पता नहीं तू क्या कर रहा होगा माधुपुरी। बेटी तुम बर्तन लाओ जल्दी से। संभल के लेटो। देखा मेरी रामबाण दवाई का असर, जहर निकलने लगा। पानी, पानी। तुम जल्दी से पानी लेके आओ, जाओ। पानी 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 कर रहे हैं, पहले हमारी बात सुन लोगे ना, चांद पे नहीं आती अंग्रेजी पिल्ला। बाली, ए बाली, कहाँ मर गई? अरे हाँ, माली मोहन चाचा भी नहीं दिख रहे। दिखेंगे भी नहीं। तुम सब की परीक्षा जो लेनी है सुमित्रा को, इसीलिए तो 3 दिन के लिए घर के सारे नौकर चाकर को छुट्टी दे दी। हाँ? हाँ, अभी अभी तो बोल कर गई है हमको बाली। का प्रिया बहू, अन्नपूर्णा बनकर नहीं दिखाओगी का? तुम्हारी सास ये तो चाहती है, चाहती है कि तुम्हारी जो खूबसूरती है ना, चूल्हा चौका में जल कर राख हो जाए। प्रिया बहू, ये परीक्षा दांतों के लिए उंगलियां दबाने की नहीं है। लोग उंगलियां चाट चाट कर खाना खाए, ऐसा खाना बनाने की परीक्षा है। चलो फिर चढ़ जाओ सूली, मत बोल ठेंगा। नहीं अम्मा जी, ठेंगा नहीं, इसे बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। अम्मा जी तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं। समझ गई। अरे प्रिया, एक मिनट रुको तो। इतने सालों बाद किचन प्रवेश कर रही हो, एक फोटो तो बनता है, सबको भेजूंगी। अरे फोटो नहीं, वीडियो लो वीडियो। क्या पता प्रिया किचन में कुछ गोलमाल कर दे और तुम्हारे हाथ में सबूत लग जाए, है ना? बढ़िया। अरे दोनों बिलियों को खूब लड़ा दिए। बस एक काम और कर दे कमिया, जो नागिन है ना सुमित्रा नागिन, इनके दोनों बेटे बहुओं को आपस में पुस, 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 लड़वा दे और लड़ा के तोड़ दे इन सबको। कुछ भी कर, ये सुमित्रा ज्योति प्रिया और उसके बेटे जीतने नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस घर के बड़े हैं और सिक्का तो हमारा ही चलेगा। अम्मा जी, बात ना नील के अधिकार की है तो काम्या चुप नहीं बैठेगी और ना ही खेल खेलने में पीछे हटेगी। इस बार तो ऐसा खेल खेलूंगी कि दुनिया शकुनी मामा को भूल जाएगी। आकाश, आकाश बेटे कैसे हो तुम? फीलिंग बेटर दादी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अयोध्या जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं बेटा, मेरी दवाई और तुम्हें लाने वाली दोनों ने मिलकर तुम्हारी जान बचाई है। अगर 2 मिनट की भी देरी हो जाती ना तो तुम इस बिस्तर पे नहीं फोटो में नजर आते। क्या मैं उस लड़की को मिल सकती हूँ? बैजी आपकी सारी दवा जगह पर रखती है। ओके बेटा। अब प्रणाम मालकिन।
अब चिंता मत कीजिए, उसका जहर निकल गया। मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं? तुमने सिर्फ आकाश की ही जान नहीं बचाई, तुमने भरद्वाज परिवार का भविष्य बचाया है। मालकिन ऐसा मत बोलिए, हमारे नानू कहते हैं कि कोई संकट में रहे तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। वैसे दादी आपको यहाँ के बारे में बताया किसने? तुम्हारी गाड़ी रास्ते पे खड़ी थी और एक आदमी वहाँ पे था, उसने हमें बताया कि तुम्हें सांप ने काटा और एक लड़की तुम्हें वैद्य के पास लेकर आई है। ओह गॉड, दादी आपने कार से लैपटॉप तो निकाला ना? अगर वो लैपटॉप चोरी हो गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मेरे रिसर्च के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें। दादी मुझे जाना होगा। हे राम जी, कैसे दिन आ गए, इंसान को अपनी जान से ज्यादा अपने टिन के डब्बे की पड़ी है। उसे टिन का डिब्बा नहीं कहते। हाँ पता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। अनपढ़ होने की भी हद होती है। ओ अंग्रेजी हीरो, अगर इतने अनपढ़ होते ना तुम्हारी जान नहीं बचा पाते। थैंक यू उसके लिए। दादी चले, आज हमें नंदिनी के घर पे खाना खाने जाना है। राम जी कहाँ पसवाती, हमें तो मंडी जाना था। अब मालकिन हम चलते, प्रणाम शाम की तैयारी करनी है ना, आते। दादी मुझे लेट हो रहा है। आकाश, नंदिनी ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें भी चलना चाहिए हमारे साथ। आए अदरी दादी, लेकिन इस वक्त मेरी जान मेरे रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स में अटकी है। आप मेरी तरफ से दो रोटी खा लेना, लेकिन मुझे जाने दो प्लीज। कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुमने बिन माँ बाप की बेटी को। कैसे अभागे होंगे जो ऐसी बच्ची को मंडप पर छोड़कर चले आए। यही भाग में लिखा होगा, तभी तो ना मेल हो पाया। तुम रो मत, जिस बच्ची के इतने अच्छे संस्कार होंगे उसकी किस्मत भी अच्छी ही होगी। तुम देखना, ऊपर वाले ने कोई खास रिश्ता ढूंढा होगा उसके लिए। नहीं मालकिन, हमने तो तय कर लिया है, अपनी धरती, अपने नानू और अपने मधुपुर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस धरती ने हमें जिंदगी दी है, अब हम इस धरती को अपनी जिंदगी देंगे। अपनी मिट्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और अगर हमारा बस चले तो किसी को अपनी मिट्टी से जुदा होने ही ना दे। ये लीजिए। नंदू तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। नहीं मालकिन, अगर हम ही खाने बैठ गए तो गर्मा गर्म रोटियां कौन बनाएगा। लीजिए। बस बस और राम भला करे, पर दो रोटी में किसका पेट भरता है। या फिर सीधे सीधे बोलिए, आपको हमारा खाना नहीं पसंद आया। नहीं नहीं, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। सच्ची? तो फिर और लीजिए। ये भी। इसे कहते हैं अन्नपूर्णा, जो पूरे भाव से खाना बनाए और खिलाए भी। और एक है हमारे घर की अन्नपूर्णा है। नो 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 नो, अरे को सीढ़ियां को समझाओ, छोड़ा है हम ये गलियां, मुझसे नहीं होगा बाबा ये। ओह गॉड, नहीं प्रिया बेबी, ये गलत है, ये बहुत गलत है। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम अपने इन सुंदर नेल्स को ऐसे गंदा करो। अरे अपने आप को अन्नपूर्णा साबित करने के कोई और भी तरीके होंगे। मैं कैसे भिंडी काटने के लिए बनी हूँ? मैं मिसेस इंडिया बनने के लिए बनी। मिस इज इंडिया, यस मैं वही करूंगी। हेलो होटल मधुरा। हाँ जी भैया, ऑर्डर लिख लीजिए। दो भिंडी कर दीजिए, चार मेथी मटर मलाई, पनीर बटर मसाला 4, बटर रोटी 10, बटर नान 20 कर दीजिए, और मेरे लिए एक डाइट कोक कर दीजिएगा और सैलेड भी। इस वीडियो के साथ तुम्हारा गेम भी ओवर प्रिया।
है ना, परसों इस घर का चूल्हा जलाकर खुद को जलाया है। और तुम आते ही घर में हीरोइन की तरह ऐश करने लगी। पर अब समझ में आएगा ना कि इतना आसान भी नहीं है अन्नपूर्णा बनना। मालकिन। दादी। हाँ। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। जी। थोड़ी सब्जी और रोटी मिलेगी? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? बेटा जल्दी लेके आ जा। तुम सच कह रहे थे, बिल्कुल अम्मा के हाथ वाले स्वाद है इन रोटियों में, खाकर तृप्ति मिल गई। आप ही का तो घर है, जब मन किया तब आ जा। लीजिए। हम फिर से क्षमा मांगते हैं। आप सबकी फसलें हमारी वजह से बर्बाद हुई हैं। हम कुछ मुआवजा देना चाहते हैं आपको। नहीं नहीं मालकिन, हम ही नहीं ले सकते। हम किसान हैं, हमारी मेहनत ही हमारी लक्ष्मी होती है। फिर से इतनी मेहनत से खेती करेंगे कि लक्ष्मी खुद ब खुद चल के हमारे घर आएगी। और लक्ष्मी मैया का हाथ तो उसी के सर पे रहता है ना, जो मेहनत करने के लिए सदा तैयार रहता है। हम इन्हें ही ले सकते। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कहती बेटी तूने, तेरे हाथ में मेहनत की शक्ति है और लक्ष्मी तो खुद ब खुद बरसेगी। और जिससे लक्ष्मी रूठती नहीं, वही तो साक्षात लक्ष्मी होती है। जीती रहो, खुश रहो। हेलो सुधा, अब तू ना हमारी बात ध्यान से सुन। अब जब हम तुमको फोन करेंगे ना, तो उसके एक घंटा के भीतर तुम हमारे घर ना 1,00,000 रुपए लेकर आ जाना। और जो हमारी छोटी दादी सास है ना, उनके सामने ना तुम हमको बधाई देते हुए जोर से नहीं कहना कि मुबारक हो ज्योति बहन को, तुमको 1,00,000 की लॉटरी लगी है। और कहना ना कि ये लॉटरी ना हमने ना मोबाइल प्रतियोगिता में जीती। ठीक है, इसे कहते हैं डबल धमाका। अब ये वीडियो प्रिया को अन्नपूर्णा साबित होने ही नहीं देगा और हम तो लक्ष्मी साबित हो जाएंगे। बारे ज्योति, दिमाग तो तुमने सही लगाया, लेकिन रिश्ते में हम भी तुम्हारी सासों माँ लगते हैं। नाम है काम्या और अब काम्या चुप नहीं रहेगी। सुनो रिंकू, मैं जब तुम्हें फोन करूं तब घर के बाहर आ जाना, और घर में अंदर आती हुई लड़की के हाथ में से तुम्हें बैग छीनने की एक्टिंग करनी है, ओके? हाँ हाँ, तुम्हारे मलम पट्टी के भी पैसे मिल जाएंगे, तुम बस काम पे ध्यान दो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गुड। क्या हुआ कमिया, जुगाड़ जमा लिए है कि नहीं? एकदम कुल्फी की तरह। इन दोनों बेवकूफों को उनके ही जाल में ऐसे फंसाएंगे कि बाजी हमारे हाथ में होगी। बस एक बात ध्यान में रखना, सुमित्रा की बहुएं जीतने ना पाए, समझी? चिंता मत कीजिए अम्मा जी, वो तुम्हें कभी भी नहीं होने दूंगी। ये तो मालकिन का बटुआ है। राम राम, इतने पैसे? नानू नानू जल्दी आओ। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ रे? मालकिन पैसे भुला कर चली गई। अरे भुलाई नहीं है, जानबूझकर छोड़ गई होगी।
कह रही थी कि हम किसानों का जितना नुकसान हुआ है वो सबको देना चाहती है। हम बोले भाई हम ऐसा पैसा नहीं लेंगे, इसलिए जानबूझकर यहाँ छोड़कर गई। और नानू इतने पैसे हमसे नहीं धरे जा रहे, हमें क्यों की मेहरबानी नहीं चाहिए? हम ही लड़ाई पैसों के लिए थोड़ी लड़े थे, हम बस उनको बताना चाहते थे कि आपकी गलती है सुधार लो, और वो मान गए। और बाकी किसान जब मन में बैठ लेकर खेती करेंगे तो थाली में अनाज नहीं जहर आएगा। हम उनके सारे पैसे लौटा कर आते हैं नानी, अब बस पता बताओ। इस वक्त जाएगी? हाँ नानी, ये किसी की अमानत है और वैसे भी इतने सारे पैसे हमारे यहाँ रखना ठीक नहीं है, हम जाएंगे। अब पता बताओ। आकाश, मुझे पता ही था कि तुम भूखे पेट लैपटॉप के सामने ही बैठोगे। अरे तुम्हारा ये टिन का डब्बा रिपेयर हो गया? दादी अभी अब ये लो, ये हो गया डॉक्यूमेंट्स अपलोड और ये हो गया सबमिट। अब मुझे ना बहुत जोर की भूख लगी है दादी। मुझे पता है भूखे पेट तुम्हें नींद नहीं आती, चलो खाना खा लो, आ जाओ बैठो। दादी आपको पता है आप ना मेरी जिन हो, मतलब यहाँ मुझे भूख लगी और यहाँ डब्बा हाजिर। वैसे कहाँ से पैक करा मेरे जिन ने? नंदनी का ढाबा। ओके ये खोल दो तो डब्बा। अच्छा लगा? वेरी यम। ये सुधा के बच्चे तक आए क्यों नहीं? तैयार रहना, वो कभी भी आ सकती है। ठीक है, आ गई। ये कौन है? लक्ष्मी मैया का हाथ तो उसी के सर पर रहता है ना, जो मेहनत करने के लिए सदा तैयार रहता है। ये तो साक्षात लक्ष्मी है। ये अन्नपूर्णा है। मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं? तुमने सिर्फ आकाश की ही जान नहीं बचाई, तुमने भरद्वाज परिवार का भविष्य बचाया है। मालकिन ऐसा मत बोलिए, हमारे नानू कहते हैं कि अगर कोई संकट में रहे तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। लक्ष्मी अन्नपूर्णा और रक्षणी के साथ साथ ये तो कल्याणी भी है। हाय मोरी मैया, का नई नई वेली दुल्हन हो जो 1 किलो सिंदूर मांग में भरा हुआ है? क्यों सुमित्रा? बोल, कौन तुझे पैसा दिया है यहाँ घर में आके चोरी करने के लिए? काव्या मैडम। एक कमिया, मैं नहीं जानती इसे। मालकिन
हम आपका बटवा लौटाने आए थे, आप हमारे घर पे भूल गई थी। हमारे नानू कहते हैं किसी की अमानत लौटाने से घर में बरकत का इजाफा होता है, इसलिए लौटाने आ गए। बरकत, इजाफा, अरे कौन गालिब की बेटी है ये सुमित्रा? ये नंदिनी है, ये हमारे पुराने जानकार की नातिन है। बहुत नेक, होशियार और ईमानदार बच्ची है। प्रिया, एक काम करो, उसको ऊपर लेकर जाओ, उसका हाथ मुंह धुला दो। ये चोर के चक्कर में उसने अपने कपड़े गंदे कर दिए। जाओ। आपका बेटवा। कम। कामिया, यहाँ आओ। यहाँ आओ कामिया। कौन है ये? वो चोर नहीं है, वो तो ज्योति का पर्दा फाश करने आया था। इसने क्या प्लानिंग की आपको पता है? ज्योति, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से ऊपर जाकर ना राइट में गेस्ट रूम, वहां चली जाओ। मेहमानों का कमरा। धन्यवाद दीदी। दीदी, एक्सक्यूज मी, मालकिन हूँ मैं भी इस घर की। छोटी दादी भी पता नहीं कैसे कैसे गवारों को घर ले आती हैं। गॉड, डिस्कस्टिंग। ये बोला था क्या उन्हें? भगवान जी, आपने भले ही सालों पहले भारत को अंग्रेजों से आजाद करवा दिया, पर हम अपनी आजादी तभी मानेंगे जब आप हमें अंग्रेजी हीरो से छुटकारा दिलवाएंगे। खाने का कमरा कहाँ है? ज्योति, क्या हो रहा है इस घर में? कुछ नहीं दादी, मैंने कुछ नहीं किया। ज्योति भारद्वाज इधर ही रहती है क्या? साक्षात जिंदा है, यही रहती है। आओ आओ। मुबारक हो, ज्योति जी ने 1,00,000 की लॉटरी जीत ली है। आप अपना आधार कार्ड ले आए, मैं आगे की औपचारिकता पूरी करती हूँ। कोई आधार कार्ड नहीं चाहिए। चलो जाओ, जाओ, फालतू परेशान करने चलिए। निकलो, जाओ जाओ। अरे दादी, ये लोग ना ऐसे ही आधार कार्ड पैन कार्ड मांगते हैं, फिर लोग पूरा उल्लू बनाते हैं, पागल है। ज्योति, सच सच बताओ, क्या है ये सब? चलो, ज्योति भाभी का पत्ता तो कटा। ओहो, सुमित्रा देवी, अव्वल नंबर की झूठी बहुएं हैं तुम्हारी। अरे ऐसी बहुएं हैं कि इनके मुंह में अगर गंगा जल भी डाल दो ना, तो गंगा जल भी दूषित हो जाएगा। और एक हमारी बहू को देखो, हाँ, हमारी कमिया को, कैसी सर्वगुण संपन्न बहू पाई है हमने। काव्या मैडम, आप बोली थी ना कि सिर्फ आप ही हमें पीटेंगी। देखिए मैडम, उस शेर से पीटने का ना आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा मैडम जी, और ये मरम्मत करवाने का अलग से बता रहे। क्या क्या बोले जर, मैं नहीं जानती इसको। दारू वारू पी रखी है क्या? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। निकलो यहाँ से, पुलिस को फोन करेंगे। निकलो जल्दी, निकलो। पता नहीं कहाँ से एक तो घर में घुस गया और मेरा नाम दे रहा है। बताओ दीदी, मिली अपनी सर्वगुण संपन्न कामिया बहू से। यस! दादी, इसका मतलब तो प्रतियोगिता खत्म हो गई ना, मैं जीत गई, राइट? अब मेरा सुज्जू बनेगा उत्तराधिकारी। छोटी दादी, एक ना क्वेश्चन था, उत्तराधिकारी की वाइफ को उत्तराधिकार नहीं बोलते हैं ना? ज्योति, क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? वो छोटी दादी, आप ये देखिए। क्या है ये? Yeah.
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.